सो उसके ऊपर आज एक दफ़ा फिर जज साहिबान ने, क्योंकि नैब की बहुत कोशिश थी कि आज किसी तरीके से केस एडजर्न हो जाए, सो एक दफ़ा फिर आज केस एडजर्न हुआ है फॉर द 21st of August दिस मंथ। 21 तारीख को बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हियरिंग होगी और हमें एक फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी दोबारा दी गई है कि हम शामिल तफ्तीश हो जाएं, जो कि हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। नैब आके बार बार गलत बयानी करती है कोर्ट में कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। 3-4 रोज़ पहले जो मेरे क्लाइंट्स के कंसर्न्स थे, जो उनको असिस्टेंस चाहिए थी, वो हमने लीगल टीम ने उनको दे चुके हैं। सो अब कोई जवाब नहीं बनता ये बहाना बार बार लेने का कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। शामिल तफ्तीश खुदा ना खास्ता अगर कोई नहीं भी होना चाहता या रिफ्यूज़ करता है, अवल तो ऐसी बात नहीं है, तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस केस में ये कि क्या एक ही ट्रांजैक्शन को कि मल्टीपल फोटोकॉपियां निकाली जा सकती हैं, और क्या बार बार एक ही इल्ज़ाम पे प्रोसिक्यूशंस हो सकती हैं। ECP की भी प्रोसिक्यूशन हो गई है, थाना कोसार में भी तोशाखाना के ऊपर गिफ्ट्स हैं, नैब ने भी 14 साल सज़ा ले ली, वो उसी वक्त सज़ा सस्पेंड हो गई। तो बार बार नैब का इदारा या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक ही जुर्म को बार बार, वो जैसे कहते हैं ना, आप एक गन्ने को कितनी दफ़ा आप दूरा तीरा करके मशीन के अंदर देंगे, एक टाइम आता है कि एक शख्स गन्ने को के भूस को डिस्कार्ड कर देता है कि इसमें कुछ नहीं बचा। इसमें अब 4th-5th दफ़ा मेरा ये ख्याल है रस इसमें से नहीं निकलना किसी भी सूरत, और ये बेंच ने आज वाजी किया। अच्छा सलमान सफदर साहब, जैसे कि नैब की जानिब से आज अदालत के सामने कहा गया कि खान साहब जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो शामिल तफ्तीश हुए हैं, नेक्स्ट जो हेयरिंग है उसमें भी अगर नैब यही कह देती है कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। अगली हेयरिंग पर आई एम श्योर मेरे क्लाइंट्स ने रिटर्न असिस्टेंस दे दी हुई है और रिटर्न असिस्टेंस इन तक आ चुकी हुई है। आज सिर्फ प्रोसीडिंग्स को प्रोलॉन्ग करने के लिए और आज मैं कहता हूँ कि केस को एडजर्न कराने के लिए एक बहाना लिया गया है, और मैं इसको कुछ नहीं समझता। आज से 3 रोज़ पहले उन्होंने कॉम्प्रीहेंसिव अपने नोट्स लिए, समझे, बनाए कि हम नैब को देंगे, तो क्यों नहीं दिए होंगे? अगर उन्होंने, जब वो कह रहे थे मैंने नहीं कुछ देना तो नहीं कुछ देना, जब 4 दिन पहले से वो कह रहे हैं कि मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, ले जी फिर इसको जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करें। वी हैव डन दैट, आई एम श्योर वी हैव डन दैट। नैब आज गलत बयानी से क्या समझते हैं कि तोशाखाना का दायरा कार इमरान खान या इनसे आगे वसी होने वाला है, क्योंकि आज इस तरह की भी रिमार्क्स सुनाई दी है? देखिए, वो आज के बाद होता है तो उसका कोई वजन नहीं, और अगर आज से पहले हुआ हुआ है तो अदालत के आगे तमाम रिकॉर्ड, नैब ने जैसे अपॉर्चुनिटी ली कि हमें अपॉर्चुनिटी दें, हम बताना चाहते हैं कि कितने लोगों के खिलाफ तोशाखाना के ऊपर कार्रवाई हुई। मेरा ख्याल है नैब ने कभी ऐसा नहीं किया। जितने केसेस भी बन रहे हैं केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन ही बोलते हैं, इद्दत निकाह भी केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था, साइफर भी केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था, तोशाखाना के गिफ्ट्स जो हैं वो जमा नहीं करवाए वो भी केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। सो मेरा ख्याल है जैसे पहली प्रोसिक्यूशन सारी कलेप्स हुई है, ये भी कलेप्स। सो आपने जैसा कि दलाइल में कहा कि ऑलरेडी इसमें कन्विक्शन हो चुकी है खान साहब को, तो इसका भी एज हो सकता है जो कन्विक्शन हुई है इस केस में? ये एक क्लोज्ड और फाइनल ट्रांजैक्शन है विच हैज़ अटेंड फाइनलिटी, और इसमें क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 403 ऑफ CRPC, आर्टिकल 17D ऑफ नैब, इतनी प्रोविजंस मौजूद हैं, इतनी प्रोटेक्शन मौजूद है कि एक शख्स को बार 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 प्रोसिक्यूट ना किया जाए वो नहीं हो सकता। सो मुझे उम्मीद है कि हमारी पिटिशंस में बड़ा दम है और ये अलाउ होंगी, और ये नया तोशाखाना रेफरेंस कभी दिन की रोशनी नहीं देगा। ये सर कब तक मंतक अंजाम को पहुंच जाएगा? एक अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच। हाँ साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, के तोशाखाना में तो आप ये अपील कर रहे हैं कि एक ही केस में बार बार उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन तोशाखाना के अलावा भी अगर कल को कोई और केस बनाया जाता है तोशाखाना से हट के, तो ये भी क्या आप चैलेंज करेंगे, या आप इस केस में आप इस तरह की कोई हुक्मनामा? आज से एक साल पहले से हमारी कुछ 400 सफ़े पर मुश्तमिल रिट पिटिशन 1516 याद है मुझे 1516 फाइल्ड है, 400 सफ़े पे है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे, मैसिव अब्यूज़ ऑफ क्रिमिनल मशीनरी पे, इस्लामाबाद बीइंग द हब फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। वो लार्जर बेंच बना दें चीफ जस्टिस साहब,
और उस पर एडजुडिकेट कर दें तो काफ़ी बातें उसमें कर देंगे कि ओवरऑल ये अब बार बार अब कोई बात बन नहीं रही है इन केसों में। सो बेहतर है कि वो केस अभी सुन लें अगर पहले नहीं सुना। थैंक यू वेरी मच।